लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। वाटर पंप 50 लीटर ऑफ वाटर थ्रू हाइट ऑफ 25 मीटर 5 सेकेंड्स पावर और पंप यूज 100% एफिशिएंसी। जी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 1000 kg/m³। अब इसमें कुछ एक दो कन्वर्जन हैं जो आपके दिमाग में वेल्ट कर लीजिए विनील बाबू। एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 ml है वो 1 cm³ के इक्वल होता है। विनील बाबू समझ आ गया? हाँ तो 1 ml जो है वो 1 cm³ के इक्वल होता है। अब एटलीस्ट मुझे जो कन्वर्जन, ये पूरी जो कन्वर्जन याद है वो इसी हिसाब से याद है। आपको जैसे भी याद करना है आप इसको याद कर लीजिए। मैं इसलिए इसको प्रेफर करता हूँ बिकॉज इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि 1000 ml जो है वो किसके इक्वल होगा, 1000 cm³ के। तो फिर 1 लीटर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1000 cm³ के। मेरी बाबू समझ आई मेरी बात? यस सर, भव्या जी आपको समझ आएगा? यस सर, समझ रहा हूँ। अब एक चीज और याद रखिए, वैसे चीजें थोड़ी ऑब्वियस होनी शुरू हो जाती हैं। 1 लीटर जो है वो 10⁻³, ये 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब जो है इसको मैं 10⁻³ भी लिख सकता हूँ। मेरी बात समझ आई या मैं एक्सप्लेन करूँ? तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 लीटर जो है वो 1 m³ के इक्वल होता है। आपको ये कन्वर्जन समझ आ गई सारी मिनिमम? हाँ सर, तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि मुझे ये वाला जो है ना, ये मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ हमेशा। मेरे दिमाग में यहाँ से कन्वर्जन सारी दिमाग में बैठी हुई है। आपको हो सकता है कोई दूसरा कन्वर्जन पसंद आए, बट दिस इज समथिंग विच यू माइट रिक्वायर स्पेशली इन क्वेश्चन लाइक दीज। जब ये लीटर के क्वेश्चन आ जाएंगे तो शायद आप को ये कन्वर्जन कहीं ना कहीं चाहिए होगी। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो 1 लीटर जो है वो 10⁻³ के बराबर है। तो 50 लीटर जो है वो 50 × 10⁻³ के बराबर है। आप यहां तक मेरे साथ हैं? यस सर। ओके, अब देखिए मैं किस साइड जा रहा हूँ। मुझे चाहिए कि जो डेंसिटी है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है, मास जो है वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है, ये मेरा वॉल्यूम है, डेंसिटी मुझे दी गई है 1000 kg/m³। तो बेसिकली मेरा जो मास होगा दैट 50 × 10⁻³ × 1000 kg, ये जो है ये सारा मेरा वाटर का मास आ गया। मेरी बाबू समझ आया नहीं यार? थोड़ा बहुत समझ आया। अरे क्या समझ नहीं आया? कहां से तेरी समझ टूट गई? यहां तो समझ आ गया ना, 50 लीटर वाला समझ कन्वर्जन आ गया, उसके बाद आपने आगे क्या किया वो नहीं समझ आया। ठीक है, हाँ फॉर्मूला भी समझ आ गया। तो मास जो है वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये समझ आ गया। हाँ, अब जो वॉल्यूम है ये 50 × 10⁻³ ये तो वॉल्यूम है, ये मैंने वॉल्यूम लिख दिया। हाँ, और जो डेंसिटी है वो मुझे दी गई है 1000 kg/m³, वो मैंने यहाँ लिखा। ओके ओके, अच्छा मेरे को बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर, समझ आया। तो ये और ये कैंसिल हो गए। तो बेसिकली जो 50 लीटर है वो 50 किलो के बराबर है। नहीं समझ में आ रहा? अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब वो ऑफ कोर्स यू कैन से कि सर ये तो ऑब्वियस ही है कि 1 लीटर पानी 1 किलो के इक्वल होता है, बट ये रिस्की टेरिटरी है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज 1 लीटर ऑयल जो है वो 1 किलो ऑयल के बराबर नहीं होता। नहीं समझ में आया? समझ आया सर। विनीत बाबू समझ आया नहीं है?
यस सर, समझ आया। आप भविष्य के आप इंजीनियर हैं, कभी 1 लीटर की सरसों की तेल या नारियल के तेल की बोतल आप देखेंगे ना, उस पे कभी मास देखिए, वो 900 समथिंग ग्राम लिखा होता है। मेरी बात नहीं समझ आ रही है आपको? सर 900 समथिंग ग्राम लिखा होता है। तो मेरी समझ आया? समझ आया सर। बिकॉज ऑयल की डेंसिटी जो है वो वाटर से कम है, तो ये ऑब्वियस नहीं है कि 1 लीटर 1 किलो के इक्वल है। ये सिर्फ पानी के संदर्भ में ये ट्रू है, बट यू नो किसी दूसरे सब्सटेंस में आप चले गए तो 1 लीटर 1 किलो, 1 लीटर तेल की मास 1 किलो होता है, वो रिस्की टेरिटरी है, वो फिजिक्स के हिसाब से रिस्की है। मेरी बात समझ आ गई? समझ आया सर। तो ये आपको करके बताना पड़ेगा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि जो एग्जामिनर है उसको पता होना चाहिए कि आपको ये चीज की अकल है और आप कैसे वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, दसवीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। नहीं बाबू, समझ आ गया? हाँ सर। तो अब यहाँ तक अगर आप पहुंच जाते हैं फिर चीजें ऑब्वियस हो जाती हैं, फिर ज्यादा परेशानी नहीं है। अब 50 किलो का पानी है, मास आपका 50 किलो है, हाइट आपकी 25 मीटर है, तो वर्क जो आप करेंगे वो MGH करेंगे, तो 50 × 10 × 25 इतना काम करेंगे, इतनी देर में करेंगे, तो पावर इसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल। नहीं समझ में आया गरीब बाबू? समझ आया सर। 5 5 तक 25 हो गया, और 2500 वॉट ये इसका आंसर हो गया। नहीं बाबू, कोई डाउट अगर हो गया? नहीं सर। तो यही, हाँ हाँ यही क्वेश्चन आपको अगर डालना हो एग्जाम में, तो आपकी अध्यापिका इसको ऑयल बना के और यहाँ डेंसिटी कुछ और डाल के, लेट अस अज्यूम 980 kg पर मीटर क्यूब बना के, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके डाल सकती है। मेरी बात समझ में आए? समझ आया सर। ओके, नाइस।